पिछले 3 दिन से मैं कुल्लू था, जो कि हमारा सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित एरिया था। वैसे तो हिमाचल प्रदेश के सभी जिले अत्यधिक प्रभावित हुए हैं बारिश से, और संपत्ति और संपदा का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। 3 दिन से कुल्लू रहने के बावजूद हमने वहाँ 48 घंटे के भीतर बिजली उपलब्ध करवा दी, पानी उपलब्ध करवा दिया और मनाली तक मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध करवा दी। ये सब टेम्पररी तौर पर उपलब्ध करवाई गई है, और 70,000 पर्यटकों में से 60,000 पर्यटक आज सुबह 9 बजे तक उनको अपने गंतव्य स्थान पर भेज दिया है। जो 10,000 पर्यटक और हैं वो अपनी गाड़ियों के साथ घर ले जाना चाहते हैं। हमने उनसे कहा है कि आप अपनी गाड़ियां रख दीजिए, हम आपको रिसिप्ट दे रहे हैं, जब रोड ठीक होगा तो उस समय आप अपनी उन गाड़ियों के माध्यम से द्वारा अपनी गाड़ियां ले जा सकते हैं। मनाली में 90% पर्यटकों को निकाल लिया गया है। कसोल, खीर गंगा, बक्षायणी, ये पुलगा, ये कुछ एक ऐसे क्षेत्र है जहाँ यूथ पर्यटक बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ भी आज शाम तक टेलीफोन का संपर्क हो जाएगा, मोबाइल का संपर्क हो जाएगा। और वहाँ जो सड़क है वो 500 मीटर पूरी भह गई है, वो तो अभी बनने में समय लगेगा, लेकिन हम वहाँ से भी पर्यटकों का संपर्क उनके घर वालों से करवा देंगे, जिसमें कुछ विदेशी पर्यटक भी हैं, वो सब सेफ हैं। फिर तीर्थन वैली में बड़ी नैरो वैली है, उस वैली में भी कुछ पर्यटक है, उसमें भी हमारी सड़क आज शाम तक पहुँच जाएगी। पंडो से हमारा मंडी वाला रोड है, उसमें कल शाम तक मुझे उम्मीद है कि वो खुल जाएगा। और तकरीबन 15,000 गाड़ियों को हमने निकाला है कल रात तक, वन वे ट्रैफिक किया गया। और खुशी इस बात की है कि जितना स्पीड अप ये कार्यक्रम हुआ, इससे पहले ऐसा आपने भी देखा होगा कभी नहीं देखने को मिलता। अगर कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती थी तो एक हफ्ते तक आपका बिजली नहीं मिलती थी, पानी की भी दिक्कत रहती थी। ये सब चीज़ों को हमने करवाया है। हमारा सबसे पहला कर्तव्य था कि जो बाढ़ में फंसे हुए 150 लोग थे, नगवाई में थे, आलू ग्राउंड में थे, ये थे, सब लोगों को उनको हमने पहले निकाला। फिर दूसरा, जो बाहर के प्रदेशों से जो लोग आए थे, और देश के बाहर से भी कुछ फॉरेनर आए थे, उनको निकालने का दायित्व था। हम ये कह सकते कि 80% जो बाहर के लोग हैं उनको हमने निकाल दिया है। और पानी, बिजली कुल्लू में जो जिस प्रकार का अंधेरा था, उसको अभी सुचारू रूप से चलाने के लिए समय लगेगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि हम लोगों ने जितना तेज़ी से काम किया, उसका ये फ़ायदा हुआ कि हमारे जो टूरिज्म स्टेट होने के कारण ये सब लोग बाहर निकल गए।